दोस्तों, प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन कोई ही ऐसा होता है जिनका प्रेम इतिहास बन जाता है। ऐसा ही प्रेम था एक मजदूर का अपनी पत्नी के लिए, जिसने एक छेनी और हथौड़े की मदद से पहाड़ को काटकर उसके बीच रास्ता बना लिया था। आज हम उसी माउंटेन मैन यानी दशरथ मांझी के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि गहलोर की घाटियों में आज भी दशरथ मांझी के छेनी और हथौड़े की ठक ठक की आवाज़ का एहसास होता है। ये प्यार की अनोखी दास्ता है एक मामूली से मजदूर दशरथ मांझी की, जिसने अपने हाथों से उस पहाड़ का सीना चीर कर रख दिया था जो उसकी मोहब्बत की राह में आ खड़ा हुआ था और जिसकी वजह से उसकी प्रियतमा की मौत हो गई थी। उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया था कि इस कठोर पहाड़ को काटकर इसके बीच आने जाने का रास्ता बना दूंगा, ताकि फिर भविष्य में कभी किसी प्यार करने वाले को एक दूसरे से बिछड़ना ना पड़े। बिहार के गया जिले में जन्मे दशरथ मांझी की शादी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन दशरथ मांझी की मोहब्बत तब परवान पर चढ़ी जब वह 22 साल की उम्र में धनाबाद की कोयला खान में काम करने के बाद वापस अपने गांव लौटे थे और गांव की एक लड़की से उन्हें बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। लेकिन किस्मत तो देखिए, ये वही लड़की थी जिससे दशरथ मांझी की बचपन में ही शादी हो गई थी। दशरथ मांझी ने ये पहाड़ तोड़ने का फैसला अपनी उसी मोहब्बत यानी फाल्गुनी के लिए किया था। दशरथ मांझी अपनी पत्नी फाल्गुनी के साथ गहलोर में रहते थे और वे अपनी पत्नी से अथाह प्रेम करते थे। उन दोनों की जिंदगी की गाड़ी गरीबी में भी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। दशरथ मांझी खेतों में काम करते, मजदूरी करते और फाल्गुनी उनके लिए खाना लेकर रोज आया करती थी। गहलोर के लोगों को जरूरी सामान लाने के लिए पास ही के शहर वजीपुर जाना पड़ता था, जिसकी दूरी अगर सड़क मार्ग से जाए तो 80 किलोमीटर पड़ती थी और अगर पहाड़ चढ़कर जाए तो सिर्फ 5 किलोमीटर ही पड़ती थी। और एक दिन दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी गहलोर से वजीपुर उसी पहाड़ी वाले दुर्गम रास्ते से जा रही थी। चलते चलते अचानक उनका पैर फिसल गया और वो गिर गई। दशरथ की आंखों के सामने गहलोर और अस्पताल के बीच खड़े जिद्दी पहाड़ की वजह से साल 1959 ईस्वी में उनकी बीवी फाल्गुनी को वक्त पर इलाज नहीं मिल सका और वो चल बसी। अपनी प्रिय पत्नी को आंखों के सामने मरता देख दशरथ ने तय किया कि अब वह इस पहाड़ पर रास्ता बना कर ही रहेंगे। पत्नी के चले जाने के गम में टूटे दशरथ मांझी ने अपनी सारी ताकत बटोरी और पहाड़ के सीने पर वार करने का फैसला किया। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था। शुरुआत में उन्हें पागल तक लोग कहने लग गए थे। दशरथ मांझी कहते थे कि गांव वालों ने शुरू में कहा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन उनके तानों ने मेरा हौसला और भी बढ़ा दिया। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। साल 1960 से लेकर 1982 के बीच दिन रात दशरथ मांझी के दिलो दिमाग में एक ही चीज ने कब्जा करके रखा था। वो हर रोज सुबह 4 बजे उठते और 8 बजे तक पहाड़ तोड़ते थे। खेतों में मजदूरी करने के सिवा उनकी जिंदगी का सारा वक्त पहाड़ तोड़ने में ही बीतता था। पहाड़ से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना और 22 साल जारी रहे जुनून ने अपना नतीजा दिखाया और पहाड़ ने मांझी से हार मानकर 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता दे दिया और 80 किलोमीटर के वजीपुर और गहलोर के बीच की दूरी को महज 5 किलोमीटर में ही समेट के रख दिया। इससे पहले वजीपुर और गहलोर के बीच का पहाड़, जिसे तय करके लोगों को वजीपुर तक पहुंचना पड़ता था, उसे दशरथ मांझी के हथौड़े ने दो हिस्सों में बांट दिया। 25 फुट ऊंचा पहाड़ दशरथ मांझी के हौसले के आगे हार गया।
मांझी ने 30 फुट चौड़ी और 365 फुट लंबी सड़क बनाकर अपनी विजय गाथा लिख दी। लेकिन दशरथ मांझी ने जिस पत्नी के लिए पहाड़ तोड़ने का करिश्मा किया था, वो उसे देखने के लिए जीवित ही नहीं थी। प्यार की अमर निशानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई थी और आज भी लोग उस अमर प्रेम की कथा का जिक्र करते हैं। आज भी गहलोर की पहाड़ियों से गुजरते हुए दशरथ मांझी और फाल्गुनी के प्रेम की पराकाष्ठा की अनुभूति होती है। लेकिन साल 2007 में 17 अगस्त को कैंसर से जूझते हुए दशरथ मांझी ने 73 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी कहानी पत्थर पर लिखा इतिहास है, जिसे बार बार दोहराया जाता रहेगा। आज हम भले ही प्रेम के प्रतीक के रूप में ताजमहल को जानते हैं, लेकिन गहलोर की घाटियों में बनी हुई उस सड़क को देखने के बाद साझा का प्रेम भी हमको फीका नजर आता है। एक तरफ साझा है, जिसकी अनेकों बेगमों में से एक मुमताज थी, तो दूसरी ओर दशरथ मांझी है, जिन्होंने केवल एक ही शादी की थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दशरथ मांझी ने दूसरी शादी भी नहीं की थी। एक तरफ साझा मुमताज के दूसरे पति थे। साझा ने ताजमहल बनवाने के बाद इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ भी कटवा दिए थे, ताकि वो ताजमहल जैसा कोई भी स्थापत्यकृति नहीं बना सके। तो दूसरी तरफ दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की याद में पहाड़ों के बीचों बीच सड़क बना दी, ताकि जिस तरह उनकी पत्नी की मौत हो गई थी, किसी दूसरे की पत्नी की इस तरह मौत ना हो सके। एक तरफ साझा है, जिसने अपनी पत्नी की याद में जनता के पैसों से ताजमहल बनवाया, तो दूसरी तरफ दशरथ मांझी है, जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में पूरे गांव वालों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके सड़क बना दी। मेरी नज़र में साझा का प्रेम दशरथ मांझी के प्रेम के आगे कहीं भी नहीं टिकता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हम तो यही कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए। का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा।